हेलो दोस्तों मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे सो आई होप यूर आर डूइंग ग्रेट आई बी क्लर्क एग्जाम एनालिसिस ऑफ कंप्यूटर तैयार है कैसा रहा आपका एग्जाम कंप्यूटर में आउट ऑफ फोर्टी आपने कितने क्वेश्चन किए क्या सारे के सारे क्वेश्चन देख पाए या नहीं ये भी बताइएगा आप सभी ने मुझे भर भर के एनालिसिस दी क्वेश्चन सेंड किए व्हाट्सएप के थ्रू कॉल्स के थ्रू मेल्स के थ्रू आप मुझे देखकर बताइएगा आप सभी लोग क्या ये सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं जो आपको एग्जाम में मिले या इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो में नहीं थे लेकिन यहां है। ऐसे रहे होंगे जो यहां पर हैं शायद ना मिले हों और इसकी जगह पर कोई और क्वेश्चन मिला हो तो वो भी बताइएगा क्योंकि पूरा पूरा आपकी ही पर बेस्ड है आपके ही फीडबैक पर बेस्ड है तो आइए देखते हैं वो फोर्टी क्वेश्चन जो आपने बताए वो क्या क्या थे एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में मैं आपके हर एक कमेंट को जरूर पढ़ूंगा कितना मेरा पढ़ाया हुआ आया ये भी बताइएगा इतनी जो मेहनत करी है क्या वो मेहनत सफल रही बताइएगा जरूर कमेंट करके तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सेशन को साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स चाहते हैं बैंक एसएससी रेलवे स्टेट लेवल एग्जाम्स इंश्योरेंस एग्जाम्स को लेकर वो ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को कंप्लीट कंप्यूटर का कोर्स है अरोडा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर की मदद से फिर आप इस कंप्लीट कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं जो जीरो से हीरो लेवल तक है बेसिक से एडवांस लेवल तक है कोई कंफ्यूजन कोई डाउट कुछ पूछना चाहते हैं दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा चलिए पहला क्वेश्चन स्पेशल सिंबल यूज्ड इन जी इस सिंबल जो कि जी में यूज किया जाता है इसे क्या बोलते हैं एट बोलते हैं तो करेक्ट आंसर क्या है एट सिंबल या एट साइन नेक्स्ट विच मेलवेयर सॉफ्टवेयर सेल्फ रेप्लिकेट, प्रोपोगेट विदाउट होस्ट कई बार करवाया हुआ क्वेश्चन ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है या मेलवेयर है जो सेल्फ रेप्लीकेट करता है बिना किसी होस्ट के कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती होस्ट की या यूजर की करेक्ट आंसर इज बॉर्म राइट वंस रीड मैनी वेरी गुड सी डी दिस जनरेशन ऐसी कौन सी जनरेशन है जिसमें कौन सी जनरेशन का पार्ट है फिफ्थ जनरेशन का नेक्स्ट द कंसेंट्रिक सर्किल्स ऑन हार्ड डिस्क आर कॉल्ड कह रहे जो कंसेंट्रिक सर्किल्स होते हैं हार्ड डिस्क में उसे क्या बोलते हैं ट्रैक्स बोलते हैं आप देख सकते हैं ट्रैक जीरो ट्रैक वन ट्रैक टू एंड ट्रैक थ्री नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कोबोल फॉर ट्रेन या बेसिक यहां से क्वेश्चन देखा गया कि जो कोबोल है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज फॉर ट्रेन फॉर्मूला ट्रांसलेशन या बेसिक बिगनर पर्पस, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड बताया था मैंने आपको सी सी प्लस प्लस जावा कोबोल फॉर ट्रेन फॉर ट्रेन तो पहली हाई लेवल लैंग्वेज भी है तो मैंने आपको बताया था कि आंसर क्या होगा हाई लेवल लैंग्वेज होगा और हाई लेवल लैंग्वेजेस को किस जनरेशन में रखा जाता है यह भी आप जानते हैं थर्ड जनरेशन में वेरी गुड क्वेश्चन नंबर सिक्स कन्वर्ट हार्ड कॉपी टू डिजिटल कॉपी हार्ड कॉपी को डिजिटल कॉपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे स्कैन करके तो आंसर क्या था इसका स्कैनर नेक्स्ट द कीबोर्ड शॉर्टकट टू जंप टू दिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड इज एम एस वर्ड में बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट यानी स्टार्टिंग पर पहुंचने की शॉर्टकट की पूछ रहा था कंट्रोल प्लस होम इज द करेक्ट आंसर शॉर्टकट की टू सिलेक्ट ऑल दी कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ ए टू सिलेक्ट ऑल नेक्स्ट विच डिवाइस और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन डिवाइस टू शेयर फाइल्स इन स्मॉलर रेंज स्मॉलर रेंज में फाइल्स को शेयर करने के लिए किस टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं द करेक्ट आंसर इज ब्लूटूथ क्वेश्चन नंबर नाइन नेक्स्ट विच ऑफ दी फॉलोइंग दशन ऑफ फायर वॉल फायर वॉल का फंक्शन क्या होता है टू प्रोटेक्ट अ नेटवर्क फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस कई बार क्वेश्चन करवाया था कि फायर वॉल क्या है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन और ये प्रोटेक्ट करता है किससे अनऑथोराइज एक्सेस से यस वेरी गुड शॉर्टकट की टू सेव डॉक्यूमेंट इन एम एस वर्ड सेव करने की शॉर्टकट की बताइए कंट्रोल एस नेक्स्ट वर्ल्ड प्रोसेसर इन स्प्रेडशीट विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड और स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल ये किस तरीके के सॉफ्टवेयर हैं तो करेक्ट आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन नेक्स्ट टेबल कॉम अ चाइल्ड कॉम अ पिक्चर अवेलेबल इन एमएस पावर पॉइंट एम एस पावर पॉइंट में टेबल्स चार्ट या पिक्चर का जो ऑप्शन है वो किस टैब में मिलता है इंसर्ट टैब में नेक्स्ट रेक्टेंगुलर एरिया फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन एंड रनिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड वो रेक्टेंगुलर एरिया जहां पे सारे प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है दैट एरिया इज कॉल्ड विंडो डेस्कटॉप विंडो नेक्स्ट विच ऑफ क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेट कंप्यूटर को सबसे बड़ा नुकसान किससे है डॉस अटैक क्या यहां पर यही क्वेश्चन था या फिशिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था है ना एक बार मुझे बताइएगा जरूर क्योंकि यहां पर कुछ कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन है तो क्या यही क्वेश्चन आया है थ्रेट से रिगार्डिंग या कोई दूसरा है ना एक बार कमेंट करके बताइएगा अगर थ्रेड से है तो आंसर क्या होगा डॉस अटैक डिनाइल ऑफ सर्वर या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्वर अटैक नेक्स्ट एमएस वर्ड करेंट फाइल लोड इन विच मेमोरी वाइल वर्किंग वर्क करते समय एमएस वर्ड की जो फाइल है वो किस मेमोरी में लोड होती है और करेक्ट आंसर है, RAM, जो है. Cysk, for, मैंने बताया है कि जो आर्किटेक्चर है माइक्रो प्रोसेसर का वो दो तरीके का होता है रिस्क और सिस्क बेसिक फॉर्मेट में और सिस्क की फुल फॉर्म यहां पर क्या है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और रिस्क की है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आई का मतलब क्या है इंस्ट्रक्शन दैट इज 15 टू बाइनरी नंबर 15 डेसिमल नंबर था और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना था वेरी इजी कैसे करेंगे वन टू फोर एट किसको जोड़े कि फिफ्टीन आ जाए तो आंसर है वन टू फोर एट को जोड़ने पर क्या आएगा फिफ्टीन एट प्लस टू टेन प्लस फोर प्लस वन फिफ्टीन तो करेक्ट आंसर इज वन 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 बिल्कुल सही जवाब नेक्स्ट इंडिया फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड एट विच सिटी इंडिया का जो पहला कंप्यूटर है वो किस सिटी में इंस्टॉल किया गया था आंसर है कोलकाता. कोलकाता में इंस्टॉल किया गया था और कहां पर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट दैट इज इन कोलकाता नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट के सर्च इंजन का नाम बताइए कई बार करवाया गया क्वेश्चन आप सब जानते हैं दैट इज बिंग माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजन कॉल्ड बिंग फादर ऑफ इंटरनेट इंटरनेट के पापा का नाम बताइए है ना बताया था मैंने दैट इज विंटन ग्रे सर्फ या विंट सर्फ है ना शायद ऑप्शन में विंट सर्फ लिखा हुआ था इनका पूरा नाम क्या है विंटन ग्रे सर्फ नेक्स्ट फीचर ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पर बेस्ड क्वेश्चन था जहां से इसका कुछ फीचर पूछा गया था और यहां पर लंबे लंबे ऑप्शन दिए हुए थे यस yes, तो इस पर बेस्ड भी एक क्वेश्चन था ऑप्शन अगर आपको एग्जैक्ट याद हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए हम जानते हैं डॉस और विंडोज ये दोनों किसके हैं माइक्रोसॉफ्ट के नेक्स्ट एंड रिप्लेस से क्वेश्चन आया था फाइन एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की पूछी गई थी और आंसर क्या था कंट्रोल एच फॉर फाइन एंड रिप्लेस क्या कोई फंक्शन की भी मैंने आपको बताई थी इसके लिए यस yes. के थ्रू भी काम हो जाता है और कंट्रोल प्लस एच के थ्रू भी नेक्स्ट हाफ बाइट इज कॉल्ड ट्वेंटी फोर के बाद ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन हाफ बाइट को क्या बोलते हैं हाफ बाइट इज कॉल्ड निबल आसान सा क्वेश्चन वन बाइट इज इक्वल्स टू एट बिट एंड वन नेबल इज इक्वल टू फोर बिट यस एक नेबल चार बिट के बराबर होती है क्या इन्वेंट किया किस लिए इनको फाउंडर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं तो आंसर है एनालिटिकल इंजन इसकी वजह से नेक्स्ट शॉर्टकट की फॉर एड पावर पॉइंट लाइट है ना ये क्वेश्चन आया था अब यहां पर एक डाउट है कि क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि शॉर्टकट की फॉर एड पावर पॉइंट स्लाइड अगर स्लाइड के बारे में पूछ रहा होगा तो कंट्रोल प्लस एम होगा एड करने के लिए स्लाइड को और अगर यह पूछ रहा होगा टू क्रिएट प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करेंगे तो आंसर कंट्रोल प्लस एन होगा अब मुझे बताइएगा क्या ऊपर वाला क्वेश्चन था ऐड करने वाला या न्यू प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट था इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन था मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा नेक्स्ट मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है है ना कुछ ऑप्शन है वो क्या है यूनिक्स मल्टी यूजर की कैटेगरी में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं यूनिक्स यूबियन टू मैक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के लेटेस्ट वाले वर्जन और लाइन एक्स विंडोज के स्टार्टिंग वाले वर्जन नहीं विंडोज के लेटेस्ट वाले वर्जन मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है और लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है नेक्स्ट टू फोर जीबी वन जीरो क्वेश्चन भी पूछा गया था एस पर स्टूडेंट्स फीडबैक फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है वहां पर रजिस्टर नहीं था ऑप्शन कुछ इस प्रकार से थे एस पर स्टूडेंट सी डी डीवीडी और एस एस डी अब अगर इन तीनों में हम कंपैरिजन करें तो आंसर क्या है एस है क्योंकि सी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क डीवीडी यानी डिजिटल डिस्क 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 और और ये दोनों क्या ऑप्टिकल ऑप्टिकल तो और में कंपेयर करें तो स्पीड किसकी फास्ट होगी एस की सॉलिड स्टेट ड्राइव की नेक्स्ट शॉर्टकट की फॉर रिफ्रेश दी वेब पेज वेबसाइट या वेब पेज को रिफ्रेश करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या है कंट्रोल आर और एफ आई बी है शायद वहां पर जो ऑप्शन गिवेन था वो एफ फाइव नहीं था कंट्रोल आर गिवेन था तो करेक्ट आंसर क्या था कंट्रोल प्लस आर यस वेरी गुड नेक्स्ट शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम का मतलब मैंने आपको बताया था फास्टेस्ट स्पीड की बात हो रही है रजिस्टर ऑप्शन में था नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा कैसे मेमोरी जो कि ऑप्शन में भी गिवेन था मैंने आपको कई बार बताया था कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है रजिस्टर अगर रजिस्टर नहीं होगा तो आंसर क्या होगा कैशे कैशे नहीं होगा तो आंसर क्या होगा रैम है ना ये सीक्वेंस नेक्स्ट अनफिनिश्ड ईमेल इन आउटलुक आर सेव्ड इन जो अनफिनिश्ड ईमेल्स होते हैं वो कहां पर सेव होते हैं आंसर क्या था ड्राफ्ट फोल्डर है ना वेरी सिंपल करवाया हुआ क्वेश्चन यूजिंग फ्रॉड आइडेंटिटी टू गेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है ना इस प्रकार का एक क्वेश्चन कि फ्रॉड आइडेंटिटी को गेन करते हुए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को किसी को देना इस प्रकार की फ्रॉड आइडेंटिटी को क्या बोलते हैं फिशिंग अटैक जहां यूजर नेम पासवर्ड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है दैट इज कॉल्ड फिशिंग अटैक विच ऑफ दी फॉलोइंग नॉट अ प्रिंटर इनमें से कौन सा प्रिंटर नहीं है तो एज पर स्टूडेंट की वहां पर जो ऑप्शन अवेलेबल था वो पेज मैट्रिक था एंड पेज मैट्रिक्स इज नॉट अ टाइप ऑफ अ प्रिंटर है ना क्या सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिला बताइएगा विच फीचर ऑटोमेटिकली फिल इंफॉर्मेशन इन वेब पेज ऐसा कौन सा फीचर फीचर अवेलेबल है ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो ऑटोमेटिकली फिल करती है इंफॉर्मेशन को वेब पेज पर दैट इज कॉल्ड बुकमार्क जिसके द्वारा किसी भी यू को हम ऑटोमेटिक सेव कर सकते हैं और जब उस पर क्लिक करते हैं तो वेबसाइट ओपन हो जाती है क्या यही क्वेश्चन था क्या और भी कोई ऑप्शंस अवेलेबल थे बताइएगा ग्रुप ईमेल्स विद द सेम सब्जेक्ट लाइन इन टू कन्वर्सेशन इज कॉल्ड क्या ई मेल्स को ग्रुप किया जा सकता है विद सेम सब्जेक्ट इन टू दन्वर्सेशन लाइन ये और इस फीचर को क्या बोलते हैं कन्वर्सेशन व्यू क्या बोलते हैं दैट इज कॉल्ड कन्वर्सेशन व्यू नेक्स्ट टास्क बार लोकेटेड इन है ना यह भी क्वेश्चन पूछा गया था टास्क बार कहा लोकेटेड है लोकेटेड एट दॉटम ऑफ द स्क्रीन हम जानते हैं कि टास्क बार कहां पर होती है नीचे की तरफ और इसकी शायद लोकेशन ही पूछी गई थी कि ऊपर है नीचे है राइट है या लेफ्ट है है ना इस तरीके से तो करेक्ट आंसर क्या होगा इट इज लोकेटेड एट बॉटम ऑफ़ स्क्रीन नेक्स्ट स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज इन कई बार मैंने आपको करवाया था सीपीयू की स्पीड कहे या माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड और इसको किसमें मेजर करते हैं आंसर इज गीगा हर्स हर्स गीगाहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज अरे ये सभी सही आंसर होते हैं नेक्स्ट बॉल लाइक डिवाइस टू मूव पॉइंट ऐसी डिवाइस जिसमें बॉल लगी होती है और मूव होता है विद द हेल्प ऑफ अ पॉइंटर दैट पार्टिकुलर डिवाइस इज कॉल्ड व्हाट एंड द करेक्ट आंसर इज ट्रैक बॉल दैट पार्टिकुलर डिवाइस इज कॉल्ड ट्रैक बॉल तो ये थे आपके वो 40 क्वेश्चंस जो कि पेपर में पूछे गए कैसा लगा आपको ये पेपर आसान टफ, मॉडरेट कितने किए क्वेश्चंस बताइएगा कमेंट सेक्शन में अपना सारा एक्सपीरियंस क्या आपने सारी वीडियोस को देखा था क्या बढ़िया लेवल की नॉलेज मिल गई थी आपको कंप्यूटर की जिससे आपको हेल्प मिली होगी कंप्यूटर में बेटर परफॉर्म करने के लिए तो आई होप कि आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा आई होप कि आप सभी का सिलेक्शन हो यस यही मेरी बेस्ट विशेष भी थी और होगा भी अगर आपने बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट किया है तो सिलेक्शन जरूर होगा गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और सभी फ्रेंड्स को सजेस्ट भी कर सकते हैं कंप्यूटर के लिए हमारे चैनल को और साथ ही साथ अगर आप कंप्यूटर के किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम को लेकर अगर ढूंढ रहे थे कि कोई एक बढ़िया सा कोर्स मिल जाए तो आप ये कोर्स बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं बैंक एस एससी स्टेट लेवल एग्जाम्स को लेकर क्लर्क कंप्लीट कंप्यूटर का कोर्स यहां से आपकी बेसिक्स भी स्ट्रॉन्ग होगी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी मिलेगी और साथ ही साथ यहां पर आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे वो भी टॉपिक वाइज टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टॉपिक वाइज पीडीएफ के लिए आप कनेक्ट हो सकते हैं कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस प्लीज 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 आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा Thank you very much guys, bye bye and take care.